आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में व्यस्तताएं बहुत बढ़ चुकी हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी तमाम जरूरतें कम समय में सहूलियत के साथ पूरी हो सकें और इसी दौरान वो अपने परिवार, दोस्तों या प्रियजनों के साथ कुछ एंटरटेनिंग और क्वालिटी टाइम भी बिता सके। उम्दा सुरक्षा, न पार्किंग का झंझट, न दुकानों पर बार्गेनिंग की झिकझिक, ऊपर से एक दूसरे से जुड़ी सैकड़ों दुकानों से किस्म किस्म के ऑफर्स, उम्दा खान पान और भरपूर एंटरटेनमेंट। इन सब के कॉम्प्लेक्स ने ही हमारी दुनिया में मॉल संस्कृति को जन्म दिया। भारत में मॉल जैसा पहला कॉन्सेप्ट आया 1863-64 में चेन्नई में स्पॉन्सर प्लाजा और करीब करीब इस दौर में बेंगलुरु में नेक्सस मॉल के रूप में। इसी बीच कोलकाता में 1905 में बनी मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग में विशाल डिपार्टमेंटल स्टोर एक मॉल जैसा स्वरूप अख्तियार कर चुका था। तब आम हिंदुस्तानी के लिए ये महज हसरतें थीं, क्योंकि मुल्क के आवाम के सामने कई और मसाइल थे। धीरे धीरे वक्त बदला, आजादी मिली, तरक्की ने रफ्तार पकड़ी और आज आलम यह है कि दुनियावी रफ्तार से कदम ताल कर रहे हिंदुस्तान के महानगर तो छोड़िए, कस्बों तक फैल चुका है मॉल का जाल। जिक्र यदि महानगरों का चला है तो क्यों ना आज सैर की जाए दुनिया भर में मशहूर मुंबई के इनऑर्बिट मॉल की। बांद्रा से बोरीवली तक स्वामी विवेकानंद रोड के समानांतर चलने वाली लिंक रोड पर मलाड में आज से कोई 20 साल पहले इस मॉल का आगाज हुआ। ये कितना विशाल है इसका अंदाजा इसकी पार्किंग क्षमता से लगाया जा सकता है। इसमें एक समय में 1047 वाहन पार्क किए जा सकते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 5,00,000 वर्ग फुट है। मॉल संस्कृति आने पर जो मॉल मुंबई में खुले उनमें ये चौथी पायदान पर रखा जाता है। इसके वास्तु सौंदर्य का श्रेय पीजी पतकी एंड एसोसिएट्स को जाता है। एक समय में यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा मॉल माना जाता था और इसका फूड कोर्ट मुंबई का सबसे बड़ा फूड कोर्ट। इसके 12,000 वर्ग फुट में फैले फूड कोर्ट में 26 रेस्तरां हैं। कई बार तो लोगों को यहाँ के फूड कोर्ट में जगह पाने के लिए 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। माया नगरी की सेलिब्रिटीज के इस पसंदीदा ठिकाने की सबसे निचली मंजिल तो मानो रिजर्व रहती है फिल्मों और उनके गीत संगीत की लॉन्चिंग के लिए। न जाने कितने समारोह, जश्न और आयोजन होते ही रहते हैं यहाँ। इस मॉल में विभिन्न कंपनियों के शोरूम्स तो हैं ही, बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह के झूले और खेल भी मौजूद हैं। मॉल की भव्यता ऊंचे गुंबद और उन पर बारीक कलाकारी, मॉडर्न डिजाइन और टेक्नो फ्रेंडली फैसिलिटीज एक अलग ही मंजर बनाती हैं। अंदर प्रवेश करने से बाहर निकलने तक एहसास होता है एक अलग दुनिया का। इधर देखिए, उधर देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, हर मंजर ठिठकने पर मजबूर कर देता है कि पहले आंखों में बसा लें इसका हुस्न। कौन है वो जो खरीदारी, मनोरंजन और अनगिनत जायकों के इस संगम को जीना नहीं चाहेगा। जो करीब हैं, उनके लिए तो इनऑर्बिट है ही, जो दूर हैं, उनके लिए है ना आप तक इसे पहुंचाने वाला आलीशान क्रिएशंस। तो चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेल के जरिए हमें दीजिए अपने बेशकीमती सुझाव ताकि हम और बेहतर कर सकें।